तरीके से सपोर्ट किया तो वो इनक्रेडिबल है। और मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आप अपने सपनों को बड़ा कीजिए, डरिए मत। अगर आपने कोई सपना बड़ा देखा है तो देखिएगा, उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर वो जज्बा और वो जुनून होना चाहिए। दिक्कतें आती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं है, बट इन्हीं दिक्कतों से लड़ना है और लड़कर जो सक्सेस मिलती है, और जो मैं बता नहीं सकता कि इस टाइम में कितना खुश हूँ, किस तरीके के मुझे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, कौन कौन लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, कितनी तरीके के लोग आप मिलने के लिए आ रहे हैं। आपके साथ तैयारी के दौरान बहुत तरह तरह के लोग होंगे, कमेंट्स करेंगे, ये एक प्रोसेस रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपकी बेइज्जती की जाएगी, लेकिन कोई नहीं, सब एक दिन गायब हो जाएगा। आपकी मेहनत, आपका जज्बा इस सब को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। तो मेरा युवाओं के लिए यही संदेश है कि बस आगे बढ़िए, एक सपना देखिए और उसको पूरा करिए, चाहे कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को अगर 50% परेशानी है, आप 80% झेलिए, 100% कामयाबी किस तरीके से जाता है जी? आपकी कामयाबी का श्रेय? मेरी कामयाबी का श्रेय मेरे माँ बाप और स्पेशली मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने मेरे स्कूल टाइम में जिस तरीके से एजुकेशन की और जिस तरीके से मेरी प्रारंभिक शिक्षा की, तो वो एक बहुत बड़ा रोल रहा। साथ ही अतिया फाउंडेशन के फाउंडर साहिल खान और उनकी फैमिली और आसिफ भैया को मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।